प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था, बकरीद, कांवड़ यात्रा तथा सावन मेला की तैयारियों को लेकर प्रदेश के सभी जिलों के आला अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सोमवार की रात्रि में दरोगा के लड़के की गोली मार कर हुई हत्या में वांछित एक अभियुक्त को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार, एसपी सिटी ने किया खुलासा। नगर निगमों से संबंधित जन शिकायतों के प्रभावी निस्तारण के लिए डेडिकेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर के राज्यव्यापी टोल फ्री नंबर 1533 का नगर विकास मंत्री ने किया शुभारंभ, कहा 1533 टोल फ्री नंबर पर शिकायतकर्ता दर्ज करा सकेंगे अपनी शिकायत। कंट्रोल रूम में किसी ने फोन नहीं उठाया तो शिकायतकर्ता की कॉल अपने आप सीधे लखनऊ से कंट्रोल रूम में हो जाएगा ट्रांसफर। निश्चित अवधि के भीतर गुणवत्ता परख होगा शिकायतों का निस्तारण। अमरूद बाग में हुई हत्या में वांछित एक शातिर अपराधी को राजघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त गमछा, मृतक का चीलम किया बरामद, एसपी सिटी ने किया खुलासा। संभव पोर्टल के माध्यम से प्राप्त जन शिकायतों के निस्तारण का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नगर विकास मंत्री ने की समीक्षा। नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा ने शिकायतकर्ताओं से किया संवाद, शिकायतों के त्वरित निस्तारण से शिकायतकर्ता दिखे संतुष्ट। जल शक्ति अभियान को लेकर भारत सरकार के ग्राम विकास विभाग के निदेशक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। आयुष्मान कार्ड बनाने में उत्तर प्रदेश में जनपद को मिला दूसरा स्थान, आयुष्मान भारत योजना के नोडल अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने कहा। 5 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक अंत्योदय आयुष्मान पखवाड़े में 100% लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनवाने का रहेगा प्रयास। घर में घुसकर चोरी करने वाले एक शातिर अभियुक्त को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, 2 सीलिंग फैन मोटर, 1 टुल्लू पंप मोटर, 1 हैंडपंप सहित अन्य सामग्री किया बरामद, भेजा जेल। मानसून के मौसम में मच्छर जनित रोग, डेंगू, मलेरिया, बैक्टीरिया और वायरस से निपटने के लिए नगर निगम ने कसी कमर, नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा। प्रत्येक वार्डों में छिड़काव और फॉगिंग करने वाली टीमों द्वारा लगातार कराया जा रहा है फॉगिंग और छिड़काव। बीएड प्रवेश परीक्षा 51 केंद्रों पर सकुशल हुआ संपन्न, 22,600 परीक्षार्थियों में से 20,745 परीक्षार्थी परीक्षा में हुए शामिल, 1,855 परीक्षार्थियों ने छोड़ी परीक्षा। और महानगर भाजपा के महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में मनाया गया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिवस, उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया उन्हें याद, लिया गया उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प।